Welcome back. Now we will discuss about the mediator of the inflammation. Mediator of the inflammation को हम दो तरीकों से divide करते हैं. एक तो उनके origin की वजह से कि synthesis कहाँ से हो रहे हैं, किस तरीके से. दूसरा उसके उनके function के base पे हम divide करते हैं. Origin के लिहाज से हम उनको दो category में divide करते हैं. एक क्या है हमारे पास cellular derived, दूसरा क्या है plasma derived. ये प्लाज्मा ड्राइव्ड है और सेलुलर ड्राइव्ड है. जो प्लाज्मा ड्राइव्ड है वो सारे कहाँ से ओरिजिन करते हैं, लिवर में. प्लाज्मा डिवाइड है हमारे पास ये कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है. जो कम्प्लीमेंट सिस्टम आ रहा था उसमें इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक फैक्टर की अगर हम बात करते तो उसमें कम्प्लीमेंट सिस्टम आ रहा था उनको. ये हमारे पास C3A और C5A, ये दोनों क्या करते हैं एनाफिलेक्शन करते हैं. दूसरा क्या हमारे पास C3B और C5B to 9, ये क्या करते हैं मेम्ब्रेन के साथ अटैच करते हैं कॉम्प्लेक्स को, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अच्छा, उसके बाद फैक्टर 12 है. जो फैक्टर 12 वो क्या करता है काइनिन सिस्टम या ब्रैडीकाइनिन सिस्टम उनके साथ वो है उसके रिलेटेड है. दूसरा हमारे पास ये आ गया कि जो सेल ड्राइव्ड है, सेल ड्राइव्ड हमारे पास कौन से हैं. एक है प्री फॉर्म मेडिएटर जो ऑलरेडी सेल के अंदर सिंथेसाइज हुए होते हैं, जब स्टिमुलस मिलते हैं वो फौरन रिलीज होते हैं. एक क्या होते हैं कि न्यूली सिंथेसाइज्ड, कि पहले इनकी सिंथेसिस नहीं होती, जैसे स्टिमुलस मिलती है उसके बाद सिंथेसिस स्टार्ट होती है, वो सिंथेसिस स्टार्ट होने के बाद वो फिर टाइम लेते हैं फिर बाद में रिलीज होते हैं. अच्छा, पूरा सिंथेसिस ब्रो. जो प्री फॉर्म्ड मेडिएटर हैं वो क्या है, वो ग्रेन्यूल्स के अंदर सेक्रेट होते हैं. ये देखें ग्रेन्यूल्स बने हुए, ये ग्रेन्यूल्स ही सेक्रेट होंगे. अच्छा, उनमें दो आपके पास आते हैं, एक क्या है हिस्टामिन है, दूसरा सेरोटोनिन है. हिस्टामिन क्या करती है, इनका सोर्स क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से सेल से ओरिजिन कर सकती है. मास सेल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं. जो सेरोटोनिन है वो सिर्फ प्लेटलेट्स आ रही है उसमें. हिस्टामिन से आप हैवी याद रखें, मतलब लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स आ रहे हैं इसमें. मास सेल्स भी आ गए, बेसोफिल भी आ गए और प्लेटलेट, ये तीनों सेल्स आ गए. सेरोटोनिन में सिर्फ आपके पास प्लेटलेट आ गया. दूसरा ये आ गया जो न्यूक्लियर सिंथेसाइज है, उनमें क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन है, लिकोट्राइन है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है. दूसरा क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड है, साइटोकाइन है और न्यूरोपेप्टाइड है. अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है और लिकोट्राइन है, ये दोनों कहाँ से, और लिकोसाइड से और मास सेल से ओरिजिन कर सकते हैं. जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है और रिएक्टिव ऑक्सीजन से पीछे से, ये आल लिकोट्राइन से आ गए. जो दूसरे आपके पास क्या आ गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये मैक्रोफेज और एंडोथेलियल सेल से ओरिजिन करते हैं. अच्छा, उसके बाद रह गया साइटोकाइन. साइटोकाइन कहाँ से बनता है कि मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, मास सेल और इयोसिनोफिल से. न्यूरोपेप्टाइड वो लिम्फोसाइट और नर्व सेल से. ये यू क्यूब बहुत बार रिपीट हुआ, इसको आपने अच्छे से तैयार करना. ये हो गया दूसरा हम इनकी फंक्शन के बेस के इनकी क्लासिफिकेशन. फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन में हमारे पास ये आ गया इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है, ठीक है, और मेडिएटर है जो वैसोडाइलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ये क्या है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और हिस्टामाइन है. PNH इसका आप निमोनिक्स लिख सकते हैं. दूसरा क्या करते हैं इंक्रीज जो वास्कुलर परमेबिलिटी करते हैं, उनमें क्या आ गया आपके पास हिस्टामिन आते हैं और सेरोटोनिन आ जाते हैं, मोस्टली ब्रैडीकाइनिन भी आ जाते हैं, लिकोट्राइन आ जाते हैं और PAF आ जाते हैं और सब्सटेंस भी. ये लिकोट्राइन, सब्सटेंस भी, ब्रैडीकाइनिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, इनको आपने नहीं बोलना, बाकी आम से बात है. दूसरा क्या है हमारे पास तीसरी टाइप कौन सी आ जाती है, जो केमोटैक्सिस हैं या क्या करते हैं लिकोसाइट रिक्रूटमेंट और एक्टिवेशन, मतलब कि लिकोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं, उनको केमिकल
फैक्टर देते हैं, केमिकल की तरह अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हें हम केमोटेक्स बोल देंगे। ये लिकोसाइट रिक्रूटमेंट हमने पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन कैसे होती है, लिकोसाइट एक जगह दूसरी जगह माइग्रेट कैसे कर रहे होते हैं, उनमें क्या आ जाता है, उनके पास टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर आ जाते हैं, इंटरल्यूकिन 1 आ जाते हैं और कीमोकाइंस आ जाते हैं और लिक्विड ड्राइंग इन P4 आते हैं सिर्फ। यहाँ पे लिक्विड ड्राइंग C4 था, D4 था, E4 था, बाकी लिक्विड ड्राइंग B4 वहाँ पे नहीं था। लिक्विड ड्राइंग B4 सिर्फ किसके साथ आता है, यहाँ पे कीमोटेक्टिव फैक्टर के तौर पर आ रहा है। दूसरा क्या है कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट, वो भी इसमें। अब फीवर में जो फीवर है वहाँ पे क्या करते हैं, फीवर इंटरल्यूकिन 1 टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये फीवर करा रहे होते हैं। दूसरा पेन के लिए आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन, ये पार्टिसिपेट पेन कराते हैं। टिश्यू डैमेज कौन कौन से कराते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम पहले पढ़ चुके हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये भी पढ़ चुके हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये लाइसोसोमल एंजाइम और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये लाइसोसोमल एंजाइम, ये सारे मैक्रोफेज के अंदर रिलीज हो रहे थे। थैंक यू।